हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अवयव के प्रकार के बारे में। तो इसका जो पहला टाइप है पंक्ति अवयव, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति हो, एक से ज़्यादा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो, तो उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा हुआ था ए इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से हमने इसे ब्रैकेट के अंदर में सजा दिया था। तो ये 1/4 ऑर्डर का, 1/4 कोटि का अवयव बन गया था। दूसरा एग्जांपल अगर ले हम इसका, सेकेंड एग्जांपल बी इक्वल टू 2/7, इस तरीके से ले सकते हैं। ये जो अवयव है इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि भी 1/3 है। इसकी कोटि कितनी है, 1/3 है, यानी एक पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। सांकेतिक रूप से इसे ए इक्वल टू ए आई जे 1×n से दर्शाया जा सकता है, जहाँ पे n का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर होता है, n का कोई भी वैल्यू संभव है। लेकिन जो पंक्ति की संख्या है ये हमेशा ही 1 होगा। अब देखते हैं हम लोग स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है स्तंभ अवयव में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यानी ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 है, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ए इक्वल टू 1 2 3। इस अवयव के कोटि की बात करें, यानी ए अवयव के कोटि की बात करें, तो ये 3/1 है, यानी 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो स्तंभ की संख्या 1 है, इसलिए हम इसे कौन सा अवयव कहेंगे, तो स्तंभ अवयव कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल ले इसका, लेट्स से बी इक्वल टू 3/5/7/9। ये जो हमारे एग्जांपल है इसमें कितनी पंक्ति है, 4 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, इसलिए इसे 4/1 कोटि का अवयव कहेंगे। ये भी स्तंभ अवयव का ही उदाहरण है। आइए देखते हैं इसे सांकेतिक रूप से कैसे दर्शाया जाएगा। तो इसे सांकेतिक रूप से ए इक्वल टू aij m×1 के द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कुछ भी संभव है, यानी 1 2 3 4 इस टाइप की, बट स्तंभों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा जो टाइप है ये है क्षैतिज आवयव। क्षैतिज इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव किसे कहेंगे? तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम कैसा अवयव कहेंगे? क्षैतिज अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। ये 2 3 से छोटा है, इसलिए अवयव ए को हम लोग क्षैतिज अवयव कहेंगे। सांकेतिक रूप से इसे सांकेतिक रूप से a = aij m x n द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पे m का जो मान है ये छोटा होता है हमेशा ही n से। एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। a = 1, 3, 5, 7, 9, 6 3, 2, 8, 7, 5, 3। ये जो हमने अवयव लिया हुआ है इसके कोटि की बात करें तो इसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो ये 3/4 कोटि का अवयव हो गया। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 3 जो है 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो इसलिए हम इसे कैसा अवयव कहेंगे? तो ये क्षैतिज अवयव का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद चौथा जो टाइप है ये है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव इसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। मान लीजिए एक कोई अवयव है हमारा a = aij m x n। तो इस अवयव को हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव कब कहेंगे? जब m का वैल्यू ग्रेटर देन हो n से, अर्थात पंक्तियों की संख्या ये ज्यादा हो स्तंभों की संख्या से। तब इस अवयव को हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। जैसे a = 2, 5, 7, 9, 6, 8। ये अवयव की बात करें तो इसमें कुल 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। चूंकि यहाँ पे 3 > 2 है, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है,
इसलिए इसे कैसा अवयव कहेंगे? फिर से ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है ये है शून्य अवयव या फिर रिक्त अवयव। एक और पेज ऐड कर देते हैं। फिफ्थ जो टाइप है ये है शून्य या रिक्त अवयव। नाम से ही स्पष्ट है ऐसा अवयव। इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों। से शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 0 0 0 ये 2/2 कोटि का अवयव है जिसके सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए अवयव ए को हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 शून्य या रिक्त अवयव की कोटि कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इसके अवयव शून्य होने चाहिए। सांकेतिक रूप से इसे अगर हम दर्शाने की बात करें तो सांकेतिक रूप से इसे a इक्वल टू m क्रॉस n द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ aij जो है ये इक्वल होता है 0 के। aij यानी कि सारे के सारे अवयव 0 होंगे इस अवयव के। फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ जो टाइप है ये है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव नाम से ही स्पष्ट है, वर्ग कहने का मतलब इसके अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी इसे इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम कैसा अवयव कहेंगे? तो वर्ग अवयव कहेंगे। सांकेतिक रूप से यदि हम बात करें a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है, जहां m बराबर होता है n के। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें a इक्वल टू 1 3 5 है। ये जो अवयव है इसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं, यानी 2/2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स हो गया।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं वर्गाव्यूह का. बी इक्वल टू 0 0 3 5 7 0 9 8. ये जो अवयव है ये 3/3 कोटि का अवयव है. यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसे कैसा अवयव कहेंगे? तो वर्ग अवयव कहेंगे. आगे बढ़ते हैं, एक और पेज ऐड कर देते हैं इसमें. नेक्स्ट जो टाइप हमें पढ़ना है, लास्ट हमने कौन सा नंबर पढ़ा हुआ था? 6 नंबर. सेवेंथ नंबर देख लेते हैं. सेवेंथ नंबर है विकर्ण अवयव. विकर्ण इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाता है. इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स. नाम से ही स्पष्ट है विकर्ण अवयव कैसा अवयव होगा, जिसके एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हैं. यानी इसे परिभाषित कर लेते हैं पहले. ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहेंगे. थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग इसके परिभाषा को. ऐसा वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव कैसा अवयव होता है? तो वर्ग अवयव होता है हमेशा ही. ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं ए इक्वल टू 9 0 0 0 3 7 0 0 3 0 0 0 8. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं विकर्ण के जो अवयव हैं इन्हें छोड़ करके बाकी जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे जीरो हैं. तो जब विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव जीरो हो जाएं, हो सकता है विकर्ण के और कुछ अवयव भी शून्य हों. सभी शून्य नहीं हो सकते हैं, कुछ अवयव शून्य हो सकते हैं, एटलीस्ट एक नॉन जीरो इसमें वैल्यू रहेगा ही. तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यानी विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों तो फिर इसे हम कैसा अवयव कहेंगे? तो विकर्ण अवयव कहेंगे. सांकेतिक रूप से अगर हम बात करें, सांकेतिक रूप से दर्शाने की बात करें इसे ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम के द्वारा, सॉरी एम क्रॉस एम इसे कहते हैं एन क्रॉस एन. यानी इसकी कोटि जो है ये यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों समान होगी. एन क्रॉस एन के द्वारा दर्शाया जा सकता है जहाँ जहाँ
आई जे ये बराबर होगा शून्य के, कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे है एंड ए आई जे नन जीरो होगा, या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट इसका नन जीरो होगा। ये कब पॉसिबल, कब होगा? जब आई इक्वल टू जे हो, यानी कि आई जे के बराबर हो जाए। ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और इनका वैल्यू जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे वैल्यू एक साथ जीरो नहीं होंगे। इन शॉर्ट अगर इन शॉर्ट इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डायगोनल ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, ये जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो एन बाई एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो लास्ट जो एलिमेंट होगा ये एन ए एन एन हो जाएगा। आई होप सबके समझ में आया होगा ये विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे अवयव शून्य हो, उसे हम कैसा आव्यूह कहेंगे? तो विकर्ण आव्यूह कहेंगे। आइए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए दिया गया आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह है, ये हमें बताना है। यहाँ पे आव्यूह दिया गया है और हमें बताना है कि ये विकर्ण आव्यूह कब होगा। और मार्क करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये आव्यूह हमारा ये विकर्ण आव्यूह होगा कब? जब विकर्ण के अतिरिक्त, एक बार लिख लेते हैं इसे, टू एक्स माइनस टू जीरो, वाई माइनस थ्री फोर, जेड प्लस वन जीरो जीरो। ए आव्यूह अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें हैं, तो ये टू फोर और थ्री हैं। तो अगर ये विकर्ण आव्यूह हमें इसे बनाना है तो टू फोर थ्री को छोड़ करके बाकी जितने भी अवयव हैं उन्हें जीरो करना पड़ेगा, यानी ए विकर्ण आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा यदि ए आई जे ये बराबर हो जाए जीरो के, कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे, अर्थात ए वन टू जीरो हो जाए, ए वन थ्री तो ऑलरेडी जीरो है, ए टू वन जीरो हो जाए, ए टू टू ये तो नन जीरो होना चाहिए, ये टू थ्री भी जीरो हो जाए। अर्थात जब हम ए वन टू एलिमेंट को जीरो करेंगे, ए वन टू वाले अवयव को जीरो करेंगे, ए वन टू का कौन सा अवयव है? एक्स माइनस टू है, ये बराबर हो जाएगा जीरो के और यहाँ से एक्स बराबर हमें मिल जाएगा टू। उसी तरीके से ए टू वन का जो अवयव है ये है वाई माइनस थ्री, इसे भी जीरो कर देते हैं और यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर हो जाएगा थ्री के।
2, 3 जो अवयव हैं यह है जेड प्लस वन, तो जेड प्लस वन को भी हम इक्वल कर देते हैं 0 के, तो यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज मिल गए। आई होप सबके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हमने क्या किया इसमें, देखिए क्वेश्चन कह रहा था, एक बार फिर से समझा देते हैं इसे। एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए दिया गया अवयव विकर्ण अवयव है, ये हमें पता करना था। तो दिए गए अवयव में विकर्ण अवयव को छोड़ करके, सॉरी विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव को हमें जीरो बना देना है, तभी ये एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पे विकर्ण के अवयवों को छोड़ दें तो बाकी के कौन से अवयव बच रहे हैं, तो एक्स माइनस टू, जेड प्लस वन, वाई माइनस थ्री। इसके अलावा बाकी के अवयव ऑलरेडी जीरो हैं। इन तीनों को भी अगर हम जीरो कर दें तो ये विकर्ण अवयव बन जाएगा। इन तीनों को जीरो कर देंगे यानी जीरो से इक्वेट कर देते हैं, एक्स माइनस टू को हमने लिख दिया बराबर जीरो के, एक्स माइनस टू को बराबर कर दिया हमने जीरो से, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिया। उसी तरीके से वाई माइनस थ्री को भी हमने इक्वेट कर दिया है जीरो से, और यहाँ से वाई बराबर थ्री मिल गया। और तीसरा जो एलिमेंट था, तीसरा हो गया जेड प्लस वन था, तो जेड प्लस वन को भी हमने जीरो के बराबर कर दिया, और यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस वन मिल गया हमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं इसका, वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा सही लग रहा है बजाय ब्लैक बैकग्राउंड का। नेक्स्ट जो टाइप है, एट्थ नंबर, ये है अदिश अवयव। हमें जो पढ़ना है अदिश अवयव के बारे में पढ़ना है। अदिश अवयव कहने का मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव ही होता है, ये भी एक वर्ग अवयव ही होता है, या फिर ये कहिए कि ये विकर्ण अवयव होता है, एक प्रकार का विकर्ण अवयव होता है जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यानी इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे हम परिभाषित करते हैं ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान है अर्थात बराबर है, तब इसे कैसा अवयव कहेंगे, इसे अदिश अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू टू जीरो जीरो टू, इसे देख सकते हैं। इसके जो विकर्ण के अवयव हैं टू और टू है, दोनों ही बराबर है आपस में, इसलिए ये कैसा अवयव कहलाएगा, तो ये अदिश अवयव कहलाएगा, इसकी कोटि 2/2 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल b इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यहाँ पे इसकी कोटि क्या है, 3/3 कोटि का ये अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव समान है, इसे हम लोग अदिश अवयव कहेंगे। सांकेतिक रूप से अगर इसे हम समझें तो a इक्वल टू, इसे ए आई जे एन क्रॉस एन के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहाँ ए आई जे ये इक्वल होगा जीरो के, कब, जब आई नॉट इक्वल टू
जे है, और यही वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसी कांस्टेंट के, मान लेते हैं सी के बराबर है, कब, जब आई बराबर है जे के। आई होप सबके समझ में आ रहा हो ये। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, किसी केस में हो सकता है वन, किसी केस में हो सकता है टू हो, किसी मैट्रिक्स के अंदर में हो सकता है थ्री हो, बट ये हर एक जगह कांस्टेंट हो। डायगोनल के जो भी अवयव होंगे वो कांस्टेंट होंगे अतिश अवयव के अंदर में। अगला टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, इकाई अवयव के बारे में हमें पढ़ना है। नाइन्थ नंबर, इकाई अवयव, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इकाई अवयव कहिए या फिर तत्समक अवयव भी इसे कहा जाता है। तत्समक, राइटिंग मेरे बहुत, इंग्लिश में इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तत्समक अवयव होता क्या है, तो ये भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही होता है, जिसके विकर्ण के अवयव हमेशा ही वन होते हैं। यानी इसे अगर हम दर्शाने की बात करें, ये इक्वल होता है ए आई जे के, इसकी कोटि हम मान लेते हैं एन क्रॉस एन है, एन बाई एन की है, जहाँ ए आई जे ये बराबर होगा जीरो के, कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, और यही वैल्यू इक्वल हो जाएगा वन के, कब, जब आई इक्वल हो जे के। अर्थात ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, जब आई बराबर हो जाएगा जे के तो ए वन वन ही आएगा आई इक्वल टू वन के लिए, जे इक्वल आई इक्वल टू टू के लिए ए टू टू एलिमेंट आएगा। तो ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, इन सभी, ये सभी अवयव के वैल्यू जो हैं वो वन होंगे, और इनके अलावा जो भी अवयव बच रहे हैं यानी विकर्ण को हम छोड़ दें, बाकी के अवयव शून्य होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ये जो हमारे एग्जाम्पल है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का या कोटि का, ये अवयव है और इसके विकर्ण के अवयव वन है, तो इसे हम कैसा अवयव कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टेन नंबर देखते हैं। टेन नंबर जो है प्री त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अब
पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा अवयव होता है, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ये एक ऐसा अवयव होता है जिसके डायगोनल के नीचे के अवयव शून्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे शून्य हैं। इसे हम कैसा अवयव कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, यानी डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे ये नॉन जीरो होंगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स जीरो भी हो, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। बट डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जीरो होंगे। तो ऐसे अवयव को हम लोग ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। से बी इक्वल है, डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, जो नीचे के जो अवयव हैं, ये सारे के सारे शून्य हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो डायगोनल के नीचे के जितने भी अवयव हैं ये सारे के सारे शून्य हैं। इसे हम कैसा अवयव कहेंगे? इसे भी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। अब इसे परिभाषित हम लोग लैंग्वेज में कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, या फिर ये भी एक विकर्ण, सॉरी ये भी एक वर्ग अवयव ही होगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं एन क्रॉस एन, एन बाई एन, जहाँ ए आई जे जो है ये इक्वल हो जाएगा जीरो के, कब? जब आई का वैल्यू ग्रेटर देन हो जे से, आई का वैल्यू ग्रेटर देन हो जे से, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो तो वो अवयव जीरो होंगे और ये बराबर होगा ए आई जे के, कब? जब आई का वैल्यू लेस देन हो जे से, अर्थात जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो। तो अगर हम पहले स्तंभ में नीचे की तरफ बढ़ें तो पहली पंक्ति है ये, तो यहाँ पे तो ये इक्वल है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जे के, तब अवयव जो है पहले से ही था, आई का वैल्यू ग्रेटर देन हो जे से, तब अवयव जो है हमारे जीरो होंगे। तो पहली पंक्ति में आई का वैल्यू जे के, पहले जो एलिमेंट है ए वन वन की बात करें तो यहाँ पे आई का वैल्यू जे के वैल्यू के बराबर है, इसलिए ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, ये आई ए आई जे के बराबर है। लेकिन जब हम दूसरे पंक्ति के अंदर आएँ तो यहाँ पे आई का वैल्यू टू हो जाएगा और जे का वैल्यू अभी भी वन है, तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन जे हो गया, टू ग्रेटर देन वन होता है, तो इसलिए अवयव क्या हो गए इसके? जीरो हो गया। उसी तरीके से तीसरी पंक्ति में हम आएँ तो यहाँ पे आई का वैल्यू थ्री होगा और जे का वैल्यू वन होगा,
थ्री ग्रेटर देन है जे से, इसलिए ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। इस वाले एलिमेंट के लिए चेक करें तो आई का वैल्यू टू है और जे का वैल्यू, सॉरी आई का वैल्यू थ्री है और जे का वैल्यू टू है, तो थ्री ग्रेटर देन टू है। तो इस केस में भी जो ये एलिमेंट है ये इसका वैल्यू जीरो है। इस तरीके से हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि डायगोनल के एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा वो सारा का सारा जीरो होगा। यदि जीरो है तो फिर इसको हम ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर है निचला त्रिभुजाकार आव्यूह, निचला त्रिभुजाकार आव्यूह, इसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे परिभाषित कैसे करेंगे? ए इक्वल टू इसे ए आई जे एन क्रॉस एन से परिभाषित करेंगे, जहाँ ए आई जे ये इक्वल हो जाएगा जीरो के, कब? जब आई का वैल्यू लेस देन हो जाए जे से। अर्थात इसे एग्जांपल के तौर पे समझें, ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 8 0 0 0। ये जो हमने आव्यूह लिया हुआ है इसमें अगर आप ध्यान दें तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर के जो अवयव आ रहे हैं वो सारे के सारे शून्य हैं, ये सारे के सारे शून्य हैं, इसलिए इसे कैसा आव्यूह कहेंगे? तो इसे निचला त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे हमने जो परिभाषित किया था ए आई जे बराबर होगा जीरो के पर जब आई का वैल्यू लेस देन हो जाए जे से, अर्थात पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या जब स्तंभों की संख्या से कम हो, जिस अवयव के लिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो वो अवयव शून्य के बराबर हो जाएगा, वो अवयव शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें पहली पंक्ति के अंदर में बढ़े आगे तो आई का वैल्यू 1 है, और दूसरे स्तंभ में देखें तो j का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 1 less than 2 है, 1 less than 2 है तो अवयव क्या हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़े, i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 less than 3 है, तो जो हमारा अवयव है a 1 3 ये बराबर हो जाएगा 0। तो निचला त्रिभुजाकार आव्यूह को हमने कैसे परिभाषित किया? तो ये एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं, इसे हम निचला त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं, राइट? आई होप सबके समझ में आया होगा ये।